दंतेवाड़ा से मिली जहां पर नक्सलियों के जल से नहीं पड़े हैं वोट। एटीपाल पोलिंग बूथ में अब तक एक भी वोटर नहीं पहुंचा है, मतदान शुरू नहीं हुआ है। एटीपाल में घनघोर नक्सली क्षेत्र बताया जाता है। एटीपाल का बूथ बड़े गुटरा में शिफ्ट किया गया, तो बड़ी खबर बता रहे हैं। तो नक्सलियों की दहशत देखिए कि एक भी वोट इस बूथ पर नहीं पड़े हैं, तो बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको। तो घनघोर नक्सली क्षेत्र बताया जाता है जहां पर अब तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। नक्सलियों के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही थी, मतदान और चुनाव का बहिष्कार करने के लिए लगातार नक्सलियों के द्वारा प्रेरित किया जा रहा था और डर की वजह से एक भी वोट यहां पर नहीं पड़ा है। पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या स्थिति बताई जाती है इस वक्त? आज दंतेवाड़ा में दूसरे चरण की वोटिंग होना है, इसके लिए 26 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा कटे कल्याण विकास खंड की। और यहाँ पर कई ऐसी जगह है जहाँ पर अब तक वोट भी नहीं शुरू हो पाया है, जैसे कि हम एटेपाल की इस समय पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, यहाँ पर अभी मतदाता नहीं पहुंचे क्योंकि पहले से ही बहिष्कार का ऐलान भी किया था। और ये भी बता दूं मैं कि 26 ग्राम पंचायतों में से यहाँ की 9 ग्राम पंचायतें पहले से ही निर्मोल हो गई और जिन जगहों पर वोटिंग हो रही है वहाँ पर सुबह से मतदाता पहुंचे हुए हैं और बंपर वोटिंग भी हो रही है, लेकिन जिन जगहों पर नक्सलियों का वर्चस्व है उन जगहों पर वोटिंग में पहले की अपेक्षा कम वोटर पहुंच रहे हैं और पहुंच कई तो ऐसे पोलिंग बूथ है जहाँ पर अब तक वोटिंग भी नहीं शुरू हुई। जी शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। एक हफ्ते के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत